हमारे संघ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के माननीय सदस्य वरिष्ठ प्रचारक श्री राम माधव जी, आज की इस पुस्तक के लेखक मूलतः तो उनका एक थीसिस था जो उन्होंने अपने पीएचडी का किया था और बाद में सब लोगों की मांग पर उसको पुस्तक के रूप में उन्होंने बहुत अच्छे सुरुचिपूर्ण ढंग से ये लिखा है। उसके जो लेखक हैं श्रीमान रतन शारदा जी, अपने इस पुस्तक को हम सबके सामने लाने के अंदर जिनकी एक बड़ी भूमिका रही, ऐसे गरुड़ प्रकाशन के अपने प्रकाशक श्री शंकरान सानू जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रबुद्ध भाइयों बहनों और प्रबुद्ध वर्ग प्रबुद्ध लोगों, रतन जी ने जब पुस्तक भेजी तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा कि मैं अवश्य आऊँगा पुस्तक के विमोचन पे, लेकिन मैंने इनको कहा कि दिल्ली नहीं आऊँगा, मुंबई आऊँगा। तो कहने लगे क्यों, मैंने कहा दिल्ली में मीडिया वाले जो है वो मेरी किस बात को कहाँ घुमा देंगे मुझे मालूम नहीं है। तो लेकिन उनकी इच्छा थी कि यही आया जाए और इसीलिए लेखक की इच्छा का सम्मान करना जो है वो उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के समान ही है। इतना बड़ा काम उन्होंने किया है संघ की दृष्टि से भी, और इसीलिए आज की इस पुस्तक में आना उनके प्रति कृतज्ञता भी है, मेरा दायित्व भी है, ऐसा मानकर मैं आज इस कार्यक्रम में आया। एक तीन चार बातें इस समय पर मैं कहूँगा। पुस्तक की जो बैकग्राउंड है, ये जो प्रस्ताव है, ये भी संघ के क्या है ये हमको समझ में आना चाहिए। पुस्तक का महत्व क्या है ऐसी दूसरी बात बताऊंगा, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट शब्द प्रयोग किया, संघ किसी भी चीज़ को कॉन्फ्लिक्ट मानता नहीं है, हम किसी को भी कॉन्फ्लिक्ट मानते नहीं हैं। विषयों की ओर देखने की हमारी जो दृष्टि है और जिसके आधार पर हम काम करते हैं, ऐसी एक तीन बातों की चर्चा मैं आपके साथ आज इस अवसर पर करूँगा। संघ को लेकर धारणाएं अलग अलग रहती हैं, लेकिन संघ में बहुत लोगों की धारणाएं रहती है कि संघ में कुछ दो चार लोग सोचते हैं बाकी सब लोग उसका पालन करते हैं, ऐसा नहीं है। संघ का एक सामूहिक चिंतन चलता है और वो सामूहिक चिंतन की हमारी एक कॉन्टिन्यूटी भी है, उसकी एक प्रक्रिया भी है। देश में हजारों कार्यकर्ता सारे देश में भ्रमण करते हैं, जिला स्तर पर, प्रांत स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर, स्वयंसेवकों से भी मिलते हैं, कार्यकर्ताओं से भी मिलते हैं, समाज के लोगों से भी मिलते हैं, विभिन्न विषयों के ऊपर वो सबके फीडबैक भी लेते हैं। संघ के मिलने की एक विशेषता होती है कि हम केवल संबोधन नहीं करते, संवाद करते हैं, और संवाद करते हुए ऐसे लोगों के पास भी जाते हैं जिनसे हम घंटों सुनते ही हैं, और ये सारा करते करते हम सब लोगों के भी कुछ निष्कर्ष निकलने प्रारंभ होते हैं। वर्ष में दो बार अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा और अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल में, एक बार अभी आजकल 1300-1400 कार्यकर्ता, उसमें एक संघ की कल्पना है। सारे देश के अंदर हमारे यहाँ एक बहुत व्यवस्थित निर्वाचन की प्रक्रिया है, 50 स्वयंसेवकों के ऊपर एक प्रतिनिधि और 50 प्रतिनिधियों के ऊपर एक प्रांत का प्रतिनिधि और उसके बाद उसके ऊपर अखिल भारतीय प्रतिनिधि, ऐसे सारे देश के एक 1200-1400 कार्यकर्ता प्रतिनिधि सभा में इकट्ठे होते हैं और एक 350-400 कार्यकारी मंडल में भी आते हैं, और जो भी महत्व के विषय होते हैं उसके ऊपर संघ की जो दिशा तय होती है वो सामूहिक चिंतन से होती है। ये प्रस्ताव जो आते हैं प्रांतों से, प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, इन विषयों पे संघ को अपनी दिशा देनी चाहिए। वो दिशा संघ के स्वयंसेवकों के लिए भी और समाज के लिए भी है। वो प्रस्ताव हमारे पास आते हैं, उसके ऊपर प्रस्ताव समिति में चर्चा होती है, फिर हम उसको सबके सामने रखते हैं, कार्यकारिणी उसमें से तय करती है कि इन प्रस्तावों को लेकर आना चाहिए, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होता है, 4-5 बार डिस्कशन होता है। इतना डिस्कशन होता है कि आप अगर कभी उस बैठक में जाएंगे, वो जो कह रहे थे कि प्रस्ताव पारित कराना, यानी ये प्रस्ताव समिति के लिए पूरी एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको वर्णन करना बड़ा मुश्किल होता है। जब प्रस्ताव पारित होता है तो एक सुख की सांस लेता है, ऐसी हमारी सबकी वहाँ प्रस्ताव पारित कराने वालों की स्थिति होती है। और एक प्रस्ताव के ऊपर प्रतिनिधि सभा में
एक 300-400 लोगों का इनपुट आता उसके अंदर कम से कम, यानी 25% से ज़्यादा लोग उसके अंदर छोटी छोटी बात क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। कभी कभी तो प्रस्ताव रद्द हो जाता है कि नहीं ये होना ही नहीं चाहिए, ये ठीक ही नहीं है, और कभी टाइटल भी बदल जाता है, कभी पूरा कंटेंट भी बदल जाता है। लेकिन वो जो तय होता है वो संघ की दिशा होती है और उसके आधार के ऊपर हम काम करते हैं। वो हमारे लिए मैसेजिंग नहीं है, वो पोस्चरिंग नहीं है, वो कोई हम अपने आप को सिंबोलाइज कर रहे हैं ऐसा नहीं है। एक बार जो रेजोल्यूशन बनता है दैट बिकम्स द डायरेक्शन ऑफ आरएसएस, उसके आधार के ऊपर सब लोग आचरण और व्यवहार में काम करते हैं, वर्षों काम करते हैं, और ये चिंतन की प्रक्रिया सतत चलती चली जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। ये 4-5 पीढ़ियों की जो कॉन्टिन्यूटी है उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ एक सामूहिक चिंतन की प्रक्रिया है। और केवल इतना नहीं होता, प्रस्तावों के बाद फिर नीचे तक उसके ऊपर चर्चा की जाती है। फिर केवल इतना ही नहीं रहता, बहुत सारे लोग देश भर में जब भ्रमण करते हैं तो लोग प्रश्न पूछते हैं कि ये जो हमने कहा इसके पीछे का भाव क्या है, ये क्यों कहा है, ये क्यों नहीं, इसके पीछे के तो अपना रिव्यू भी चलता रहता है और सबकी क्लियरिटी भी होती रहती है। और इसीलिए जो संघ को समझना है तो संघ के समझने के लिए मैं बहुत बार कहता हूं संघ को संघ की निगाह से समझना। संघ को समझने को लेकर बहुत प्रश्न खड़े होते हैं। मैं संघ का संपर्क प्रमुख था, फिर बाद में प्रचार प्रमुख था, तो लगभग पिछले 10 वर्ष मुझे समाज के प्रबुद्ध लोगों से और समाज में एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के लोगों से इंटरेक्ट करना पड़ा। पहली बार जब कोई भी मिलता है तो बहुत प्रश्नों के साथ मिलता है, दूसरी बार जब मिलता है तो वो प्रश्नों के साथ कुछ कुछ उसकी संघ के प्रति ये आपने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया, ये सब होना शुरू हो जाता है। तीसरी बार में जिज्ञासा शुरू हो जाती है, संघ इसके लिए क्या कर रहा है, संघ इसके लिए क्या कर रहा है। और मेरा अनुभव यह है कि 4थी-5वीं बार में वो हमसे कहते हैं कि आप कुछ करते क्यों नहीं। मैं उनसे कहता हूँ कि क्या करना है, उनने कहा आपकी परसेप्शन और रियलिटी इसमें 180 डिग्री का डिफरेंस है। ये जो परसेप्शन और रियलिटी का 180 डिग्री का डिफरेंस है इसके लिए आप कुछ क्यों नहीं करते। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा हम तो 70-80-90 साल से कर ही रहे हैं, हमें समझ नहीं आता कि और हम क्या करें, हम जो कर सकते हैं वो तो हम सब कर रहे हैं। लोग कहते हमारे दरवाजे बंद थे, अब तो दरवाजे खटखटा रहे थे, आप दरवाजे खोल ही नहीं रहे थे। हम मीडिया के पास जाते थे, हमारी न्यूज़ नहीं छपती थी। हम आपसे मिलने जाते थे तो रतन जी ने बताया कि राम माधव जी से मिलने के बाद क्या न्यूज़ छपी। हम दरवाज़ा खटखटाते थे, आप मिलने का समय दीजिए, आप हमको समय नहीं दे। ये सब हमको तो जो करना है वो हमने किया है। और संघ को समझने के लिए संघ को संघ के पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। और वास्तव में संघ के साथ एक और भी हुआ कि जैसे जैसे संघ की एक कंटिन्यूटी है जो मैंने आपको बताया, वैसे ही हमारे विरुद्ध एक इकोसिस्टम की भी कंटिन्यूटी है। वो जो इकोसिस्टम की कंटिन्यूटी है वो भी कभी भंग नहीं हुई। हाँ ये ठीक है कि उनकी जमीन पर ताकत कम थी, जहाँ उनकी ताकत थी वहाँ उसका प्रभाव रहा। धीरे धीरे करके जमीन पर हम कहाँ काम करते हैं हमें कहीं विरोध नहीं मिलता। सारे देश के अंदर राम माधव जी ने जैसा बताया कि एक बिग ऑर्गेनाइजेशन है, अभी अपनी ताकत इतनी है, हम चाहें तो एक 5-6, 5-5.5 लाख गाँवों तक एक 15-20 दिन में पहुँच जाते हैं। देश की 50% पॉपुलेशन तक रीच करना ये अपने एक सहज रेंज में आज हो गया है। जमीन के ऊपर हम जाते हैं तो हमको संघ को लेकर कुछ प्रश्न नहीं आते, सब जो हम सुनते हैं सारे उसमें से। लेकिन एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में जाते हैं तो ये सब बातें आती हैं। और अभी व्यक्तिगत बातचीत में वो भी कम हो गई हैं, अभी मीडिया में, अब मैं उसके लिए कोई ऐसा नहीं कहूँगा, लेकिन अभी एक मीडिया में एक कमिटेड है, जितने हम कमिटेड हैं उतने वो भी कमिटेड हैं कि जो हमारी परसेप्शन बनाने में कोई कसर वो नहीं छोड़ते। और उसके कारण भी है, मैं वो सब अप्रमाणिक है ऐसा नहीं कहूँगा, उन तक शायद हमारी पहुँच कम हुई होगी। हम यही मानते हैं कि जो लोग हमारे बारे में ठीक नहीं लिख पा रहे उसका कारण वो नहीं है, इसका कारण यह है कि शायद हम उन तक आज तक पहुँच
नहीं सके। इटालियन फासिज्म, हिंदू तालिबान, हिंदू सुप्रीमेसिस्ट, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी कभी हम लोग सुनते हैं, जिन शब्दों के बारे में वास्तव में वो जो मैंने कहा है कि इकोसिस्टम की एक कंटिन्यूटी है। संघ के ऊपर मैंने एक बार देख रहा था कि पहली रिसर्च बुक कौन सी आई, ऐसे हमने थोड़ा तलाशना शुरू किया तो मेरे को ध्यान में आया 1950 में एक जीन ए करन जूनियर करके एक व्यक्ति थे, उन्होंने पुस्तक लिखी द RSS मिलिटेंट हिंदुइज्म, और अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पैसिफिक रिलेशंस फार ईस्टर्न सर्वे करके उन्होंने ये किताब छापी। ये मुझे पहली संघ के ऊपर एक रिसर्च बुक ये मिली। अभी संघ कितना बड़ा था 1950 के अंदर, संघ की तो प्रतिबंध के बाद ताकत भी नहीं थी, अभी तो हम अपने को संभाल ही रहे थे, हमारे पे रिसर्च शुरू हो गए। और उन्होंने 1951 में फिर पुस्तक लिखी, उसका प्रकाशन हुआ फिर दोबारा से, वो पुस्तक के रूप में आई, वो तो रिसर्च था। और वो पुस्तक था मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स ए स्टडी ऑफ RSS। अभी जनसंघ भी शुरू नहीं हुआ था, अभी राजनीति तक तो हमारा कोई संबंध नहीं था, और सरदार पटेल उस समय संघ को कह रहे थे कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर देश के निर्माण में काम करिए। उस कालखंड में हमारे बारे में एक रिसर्च के आधार के ऊपर एक पुस्तक छपी, मिलिटेंट हिंदुइज्म इन इंडियन पॉलिटिक्स, और क्रिस्टोफर जेफरलेट जैसे लोगों की तो अपार कृपा हमारे पर रही। और ये जो सब लेखन है, ये सब टर्म जो आज हम कॉइन किए हुए शब्द सुनते हैं, इटालियन फासिज्म, ये जो आज हम सुनते हैं कि वो रेशियल प्योरिटी कंसेप्ट ऑफ हिटलर जिसको संघ, ये सब उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं, ये वहाँ से शुरू हुई। कॉन्टिन्यूटी हमारी भी थी, हमारी जमीन पर थी, उनकी कंटिन्यूटी एकेडमिक और इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में थी, जिसके कारण से ये स्थिति बनी है। मुझे लगता है इस पुस्तक का सर्वाधिक महत्व ये है कि जो लोग संघ को प्रमाणिक होकर संघ की निगाह से समझना चाहते हैं, उनके लिए रतन जी ने एकेडमिक बेस के ऊपर उन्होंने उसका एक रिसर्च किया विद रेफरेंसेस किया, और उसको एक पुस्तक के रूप में सबके सामने लाकर एक अच्छा और दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है, जो संघ को संघ की निगाह से समझना चाहते हैं। संघ में ऑफिशियली कहना तीन ही चीज़ों का रहता है, तो हमारे सरसंघ चालक सर कार्यवाह समय समय पर स्टेटमेंट देते हैं, कोई बात कहते हैं, वो हमारे लिए होता है, और तीसरा अपने संघ के रेजोल्यूशंस। तो ये तीनों जो है ये उसके आधार के ऊपर ये पुस्तक है, और केवल रेजोल्यूशंस नहीं है, रेजोल्यूशंस के साथ हमने उसके बाद जो किया उसको भी उन्होंने उसमें अंदर समेटने की कोशिश की है, और विशेषकर तीन विषयों पर मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा पुस्तक जो है ये ऐसे सब लोग जो वास्तव में ऑब्जेक्टिव संघ को स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए पुस्तक है। इसीलिए मैंने कहा कि रतन जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का कारण यह है कि उन्होंने एक ऐसी पुस्तक सबके सामने ला के दी जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ आप इसको पढ़िए, और पढ़कर इसके आधार पर संघ के बारे में आप अपना एक विचार बनाइए, विभिन्न विषयों पर संघ की सोच क्या है ये समझिए। दूसरी बात जो मैंने कहा, संघ की संकल्पना रामाधव जी ने करते हुए कहा कि अपना काम जब शुरू हुआ तो हमने पहले दिन से माना सर्वेषाम अविरोधे, हमारा कोई विरोधी नहीं है, हमारा कोई विरोध कर सकता है लेकिन हमारा वो विरोधी नहीं। हमने समाज में दो ही तरह के लोगों को माना है, एक वो जो संघ में आ गए, एक वो जो संघ में आना बाकी है, इसके अलावा कोई नहीं है। हमारा कन्विक्शन है और इसी कन्विक्शन के आधार पर हम काम कर रहे हैं, इसलिए जितना भी विरोध करता है उसके विरोध के बाद भी हम उसके पास जाना छोड़ते नहीं हैं, और हम उसके प्रति कभी कटु होते नहीं हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ये सारी धारणा इसलिए है कि हम उस तक पहुंच नहीं सके। जिस दिन हम अपने आत्मीयता के आधार के ऊपर और हमारी जो विचार है उसके आधार पर उस तक जाएंगे, उस दिन वो हमको समझेगा, हमारे साथ आकर खड़ा हो जाएगा, और ये पिछले 90-95 साल का 96 साल का हमारा अनुभव है। कितने ही विरोधी ऐसे हैं जो हमारे साथ आकर खड़े हुए, हमसे ज़्यादा हमारे से अधिक और संघ के बारे में बोलने वाले ये हो गए, ये हमारा अनुभव भी है। दूसरा,
हमारे संघ को लेकर हमारी कुछ कन्विक्शंस हैं जिसके आधार पर संघ की सोच बनी है। उसमें पहली बात ऐसी है, वन नेशन वन पीपल वन संस्कृति। मैं कल्चर जानबूझ के शब्द नहीं प्रयोग कर रहा, कल्चर वो बहुत छोटी है। ये जो एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति, ये हमारी कन्विक्शन है, ये हमारा नारा नहीं है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, हर भाषा मत पंथ, हर प्रकार के रहन सहन खान पान वाला व्यक्ति इस देश के अंदर एक राष्ट्र एक जन एक संस्कृति। ये जो सारी हमारी सोच बनती है, जो हमने काम किया है, उसके मूल में ये है। इस देश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की और हमारी, हमारा संघ का राष्ट्र को लेकर जो हमारी कल्पना है, ये जो वेस्ट में राष्ट्र की कल्पना शुरू हुई, जो सिटी स्टेट से प्रारंभ हुई, एम्पायर्स में आई, थियोक्रेटिक स्टेट की ओर बढ़ी, थियोक्रेटिक स्टेट से वो धीरे धीरे करके आज का मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर आया और अनेक प्रकार की उसके प्रकार बने, हमारा राष्ट्र वैसा नहीं। हमारी राष्ट्र की कल्पना, हमारी एक हजारों साल की एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको हम कहते हैं, ये उसकी एक कल्पना है। हमारा राष्ट्र का जीवन एक प्रवाह है जिसके मूल के अंदर एक दर्शन है। सब में हमने एक तत्व को देखा, जब सब में एक है तो कोई छोटा बड़ा नहीं, कोई भेद नहीं हो सकता। सब में एक है तो विविधता दिखती है, वो विविधता नहीं है, उस विविधता के पीछे के उस एकत्व को देखने की आवश्यकता है। जीवन का लक्ष्य ये सुख की प्राप्ति है। ये सुख जो है ये भौतिक बातों में नहीं है, आत्मा का सुख यही सच्चा सुख है, और वो प्राप्त करना है तो वो भोग से मिलने वाला नहीं है। अंततो गत्वा जीवन को एक अध्यात्म के आधार के ऊपर जीवन की देखने की दृष्टि, ये जो एक हमारा दर्शन था, उस दर्शन के आधार के ऊपर हमारे मूल्य बने, सहिष्णुता, सत्य, आत्मीयतापूर्ण दृष्टि, सबके साथ लेकर चलने के पीछे का जो भाव है वो, उसके अंदर दया करुणा, और ये मूल्यों के आधार के ऊपर हमारी संस्कृति बनी। प्राणी मात्र का विचार करना, अतिथि सत्कार करना, ये जो हमारे व्यवहार में छोटी 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 बातें दिखाई देती हैं, ये उसके पीछे का अपना विचार है। सारे देश के अंदर हमने विविधता को कभी भेद नहीं माना, उसको भेद का कारण नहीं माना, हमने कभी एक वननेस की कल्पना नहीं की। हमने सारे देश के अंदर इस संस्कृति के आधार के ऊपर ये विविधता जो है, उस विविधता के पीछे के एकत्व को देखा, इसलिए भारत कैसा बन गया। हमारे यहाँ भाषाएं अनेक थी, भाव एक है। हर भाषा के अंदर एक ही भाव के आपको गीत मिलेंगे, आख्यान मिलेंगे, सब प्रकार के मिलेंगे। देश के अंदर कोई भी महापुरुष कहीं भी जन्मा, उसने विचार पूरे राष्ट्र का किया, महापुरुष वो पूरे देश का हो गया। वो संत नामदेव महाराष्ट्र से पंजाब में आए तो पंजाब के हो गए, शंकराचार्य पूरे देश के बन गए, मध्वाचार्य पूरे देश के हो गए, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा तक पूरे देश की हो गई, गौतम बुद्ध पूरे देश के हो गए, वो एक मत पंथ के नहीं रहे। हमारे यहां मत पंथ अनेक हो सकते हैं, लेकिन सब मत पंथों के अंदर उसके पीछे का जो मूल्य है वो सबका समान था, शील करुणा, वो जो मूल बातें थी वो सब एक रही। ये जो भारत के जीवन की जो विशेषता है, इसको हमने इस देश के राष्ट्र जीवन का आधार माना है, इसलिए हमको कुछ भेद लगता नहीं है। ये जो राम माधव जी ने कहा या रतन जी ने कहा कि हमारा व्यक्ति सहज, वो उत्तर पूर्व में भी चला जाता है, वो पंजाब में भी चला जाता है, वो भाषा को कोई बाधा नहीं मानता, खान पान को कोई बाधा नहीं समझता, वो कहीं भी जाकर वहां का हो जाता है, क्योंकि हमने माना ही है वन नेशन वन पीपल। वहां जाएंगे वहां की भाषा बोलेंगे, वहां जाएंगे वहां के खान पान के हो जाएंगे, वहां की वेशभूषा हो जाएगी, वहीं के बन जाएंगे। इसलिए वहां जाने के बाद इतना ही रहता है कि मेरा जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ, मैं वहां स्वयंसेवक बना, लेकिन उसके बाद उसका सब कुछ वहीं का हो जाता है।
बहुत बार वो बताए नहीं तो, या कोई दूसरा ना बताए तो लोगों को पता ही नहीं लगता कि अच्छा ये वहां का रहने वाला है क्या, और ये जानने की इच्छा भी नहीं होती किसी। संघ के सोचने का दूसरा ढंग है, एक विषय जो है ये जो संघर्ष दिखते हैं, ये जो विविध प्रकार के संघर्ष दिखते हैं, ये जो हमारे जिसको मैंने कहा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जिसकी बात चल रही है, जो संघर्ष दिखते हैं वास्तव में संघर्ष का कारण क्या है, चाहे वो पंजाब है, चाहे उत्तर पूर्व है, चाहे कोई है, किसी भी प्रकार का प्रश्न है, वो हमारा ये मानना है जब हम मूल का विस्मरण करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी कहा करते थे सब बातों के समस्याओं का मूल है आत्मविस्मृति, हम भूल गए हम कौन है। ये जो हमारे पूर्वजों ने जो दर्शन दिया था जिसके आधार के ऊपर हमने देखने की एक दृष्टि बनाई थी, वन नेशन वन पीपल, जब इसको भूल कर हम एक छोटी आइडेंटिटी के साथ अपने को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो संघर्ष शुरू होता है। ये संघर्ष का मूल में यही है। संघ का यह मानना है कि जो भी संघर्ष आता है वो संघर्ष के पीछे जो है वो वास्तव में जैसे ही आप अपने आप को एक बड़ी आइडेंटिटी से छोड़कर छोटी आइडेंटिटी के साथ जोड़ते हो, वो जाति की होती है, वो भाषा की होती है, वो मत पंथ की होती है, वहीं से झगड़ा खड़ा हो जाता है, वहीं से दूसरा अलग हो जाता है। किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी एक छोटी बात में नहीं हो, एक बात में नहीं हो सकती। जीवन में लैंग्वेज का बड़ा महत्व है, लेकिन लैंग्वेज इज वन ऑफ द आइडेंटिटी। रिलीजन का बड़ा महत्व है, रिलीजन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। मैं जीवन में क्या करता हूं वो भी मेरी एक आइडेंटिटी। मैं डॉक्टर हूं, मैं पत्रकार हूं, वो भी तो मेरी एक आइडेंटिटी बनता है ना जीवन के अंदर। मैं एक क्षेत्र के अंदर जन्म लेता हूं, वो तमिलनाडु हो सकता है, वो पंजाब हो सकता है, वो कर्नाटक हो सकता है, वो दिल्ली हो सकता है, वो भी एक मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा। ये सब मिलकर एक आइडेंटिटी बनती है। केवल एक आइडेंटिटी नहीं हो सकती, ओनली लैंग्वेज, ओनली रीजन, ओनली रिलीजन, ओनली प्रोफेशन, ये मेरी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। सब मिलाकर हमारी आइडेंटिटी क्या है? हमारी आइडेंटिटी है वन नेशन वन पीपल, एक राष्ट्र एक जन, भारत माता की संतान, हम सब सगे भाई, हमारा एक खून का रिश्ता। ये हजारों साल की जो हमारी संस्कृति है ये हमारी सांस्कृतिक पहचान, ये जोड़ने का सूत्र है। ये विस्मरण होता है तो भेद खड़ा होता है, उसके बाद संघर्ष होता है। और इसीलिए ये जो हमको इसका जब समाधान करना होता है तो संघ का क्या मानना है कि जब आप ये भेद देखते हो सारे उसमें से, ये जो आपकी ये दृष्टि जब कमजोर होती है सारे उसमें से, तो संघर्ष जब खड़े होते हैं तो संघर्ष जो दिखते हैं वो संघर्ष नहीं होता। पंजाब की परिस्थिति में कुछ हो गया, 25-30 साल बहुत कठिन बीते, जम्मू कश्मीर में पिछले 60-70 साल से चल रहा है, हमारे उत्तर पूर्व के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। ये जो सारे संघर्ष हैं जिन पर हम प्रस्ताव जब करते हैं तो उसके पीछे हमारी सोच क्या होती है, जो आज दिख रहा है वास्तव में ये ही एक कारण नहीं है, उसके मूल में जाओ। ये भेद बनना कहां से शुरू हुआ था, ये भेद किसने पैदा किया, कैसे किया, वो कौन सी चीज है जहां से भेद बनना प्रारंभ हुआ। जब कोई समस्या का जन्म होता है तो वो समस्या वो तुरंत नहीं होती, उसी दिन नहीं होती, उस समस्या में बहुतों की भूमिका होती है, जिनके स्वार्थ होते हैं उनकी भी भूमिका होती है, जो उनके लाभ उठाना चाहते हैं उनकी भी, जिनकी इच्छा है देश टुकड़े टुकड़े हो जाए उसमें उनकी भूमिका है, जिन्होंने वो भेद पैदा किया था उनकी भी एक भूमिका थी। बहुत सारे लोग जो उस भूमिका अदा कर रहे होते हैं वो सब अप्रमाणिक होते हैं, ऐसे नहीं, कुछ विक्टिम ऑफ फॉल्स नैरेटिव भी हो जाते हैं, वो मन से प्रमाणिक होते हैं। तो कोई भी विषय आता है तो उस विषय के पीछे के मूल में जाइए, और वो मूल में जाने के बाद हमारा संघ का मानना है कि जैसे ये भेद है उस भेद के कारण से वो जो मैंने कहा आत्मविस्मृति हो गई, ये भेद है बन जाता है उसके कारण से, समस्या का जन्म होता है, समस्या को समझिए तो सही, समाधान करिए, लेकिन समाधान का सूत्र कहाँ है, तो समाधान केवल शासन प्रशासन संगठन के आधार पर नहीं होगा, वो समाधान है समाज की अंतर्निहित शक्ति। हमारी ये सबसे बड़ी सोच की जो हमारी विशेषता है कि आपको जो बहुत वातावरण दिखाई देता है बहुत खराब हालत होती है,
एक समाज की अंतर्निहित ताकत है, उस अंतर्निहित शक्ति को जगाना पड़ेगा। जहां समस्या है वहीं समाधान है, जो समस्या के कारण बनते हैं वही समाधान के भी हस्तक बनते हैं। पिछले दिनों कई बार ऐसा, पिछले 15-20 वर्षों में आया, मैं जब कहीं पर था तो वहाँ ऐसी जब चर्चा आती थी, मैं उनको कहता था अरे चिंता मत करे, जो बहुत आपको संघर्ष दिखाई दे रहा है, हरियाणा के अंदर बड़ा आंदोलन हो गया था, तो मैंने कहा ये तूफान है, तूफान आता है तो उस समय तात्कालिक सिर थोड़ा झुका लो, तूफान आता है तो विनाश भी हो जाता है, ये तूफान मिट जाएगा, हमेशा रहने वाला नहीं है, तूफान हटेगा, देखेंगे क्या क्या नुकसान हुआ उसका हल करेंगे, और आप देखना पहले से ज़्यादा मजबूत होकर समाज बाहर निकलेगा, क्योंकि समाज की हमारी एक अंतर्निहित शक्ति है वो साथ साथ खड़ी हो जाती है। आवश्यकता यह है उस अंतर्निहित शक्ति को जगाना पड़ता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जिसको कहा, उसके अंदर यही मूल मत। हमने जम्मू कश्मीर में भूमिका अदा की, पंजाब में भूमिका अदा की, हमने ध्यान में आया कि ये विदेशी शक्तियाँ इसका लाभ उठाना चाहती है, तो इनको कैसे उनकी भाषा में उत्तर देना चाहिए, इसके लिए शासन प्रशासन को आग्रह करना। वो लाभ ना उठा सकें, उनके मंसूबे क्या हैं, उसके प्रति समाज को जागरूक करना। समाज के अंदर अलगाववादी, कट्टरपंथी ऐसी कुछ शक्तियां हो जाती है, उनको आइसोलेट करना, उनको अलग थलग करना, उनकी वास्तविकता को लोगों के सामने लेकर आना। कभी कभी जो उनके पीछे लोग आकर खड़े हो जाते हैं, उनको बताना कि वास्तव में ये क्या चाहते हैं, ये क्या करने वाले हैं। लेकिन सबसे महत्व की बात है, समाज आपस में लड़ना नहीं चाहिए, समाज आपस में एक कैसे रह सकता है, समाज एक साथ कैसे जुड़ सकता है, इसके बारे में सोचना, वो समाज का एकता का सूत्र खोजना, उसको जोड़ने की कोशिश करना। और इसीलिए ये जो हमारे सारे प्रस्ताव हैं, उन प्रस्तावों के अंदर आप देखेंगे कि प्रत्येक प्रस्ताव के अंदर हमने वो जो विदेशी शक्तियाँ हैं उनको, हमने उनके मंसूबों के प्रति आगाह करते हुए उनके प्रति सख्त कार्रवाई की जाए इसकी बात भी की, हमने अलगाववादी और आतंकवादी ऐसी सब शक्तियों को कैसे संभालना चाहिए इसके बारे में भी कहा, उनको आइसोलेट कैसे करना, उनको इररिलेवेंट कैसे करना, उसको डिसफंक्शनल कैसे करना, उनका प्रभाव कैसे समाप्त करना, इसके बारे में भी सोचा। लेकिन असली जो है समाज की आह्वान करना, समाज की अंतर्निहित शक्ति की ताकत को समझकर उसको आह्वान करना। अभी कश्मीर फाइल की चर्चा जो बहुत हो रही थी, सारे समय से हो रही है आजकल सारे देश के अंदर, ये जो जम्मू कश्मीर का प्रश्न ये पूरे देश का बना, यानी 91, 92, 93, 94 का वो जो दौर है, तो 93-94 में सारे देश में जम्मू कश्मीर के प्रश्न के प्रति हम जागरूकता ला रहे थे, कश्मीर बचाओ ऐसे विषयों को लेकर समाज में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में जा रहे थे, लोगों को वास्तविकता बता रहे थे अंत में क्या होने वाला है। जम्मू कश्मीर के अंदर वो कश्मीर घाटी से आतंकवाद डोडा की ओर बढ़ रहा था, इसलिए वहां डोडा बचाओ आंदोलन चला रहे थे, और वो डोडा बचाओ आंदोलन चलाते हुए सरकार को मजबूर करना कि सेना के हवाले इस क्षेत्र को हवाले किया जाए, इसके लिए केवल डोडा नहीं दिल्ली में भी सारे देश के लोगों को लाकर प्रदर्शन कर रहे थे, सारे देश से विद्यार्थी परिषद डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में बड़ी मात्रा में जम्मू कश्मीर सहायता समिति के माध्यम से सामान्य समाज का सहयोग लेकर कश्मीरी हिंदू की उस समय की आवश्यकताओं को पूर्ति करना ये भी चल रहा था। और उस 3-4 वर्ष के अंदर कश्मीरी हिंदू समाज जब जाने की स्थिति में नहीं था, 93-94 के अंदर हमने संजीवनी शारदा केंद्र बनाकर, जिसको खीर भवानी कहते हैं, वहाँ की यात्रा प्रारंभ की। हमारा भूमि से नाता टूटना नहीं चाहिए, उनका एजेंडा पूरा हो जाएगा जिस दिन कश्मीरी हिंदू समाज का कश्मीर से संपर्क वो बनाकर कैसे रखा जाएगा। अभी हमको मजबूरी में बाहर आना पड़ा, पहली बार जब हमको लेकर जाना था इतना कठिन था कि 15-20 लोगों को भी ले जाना आसान नहीं था, लेकिन जिस दिन खीर भवानी का दिन आया वो 15-20 लोगों को हम सुरक्षा के अंदर इसे ही लेकर गए। अमरनाथ की यात्रा पर प्रतिबंध लग गया तो अमरनाथ की यात्रा भी चलनी चाहिए, और उसी समय आतंकवाद कश्मीरी हिंदू समाज के निकलने के बाद
कश्मीर घाटी में रहने वाले बाकी मुसलमानों के ऊपर भी टारगेट जब होना शुरू हुआ, उनके लिए भी अपना सहायता कार्य प्रारंभ हो गया। यानी हम जो कितनी डायमेंशन पे काम कर रहे थे, यानी आप ये 3 वर्ष के अंदर अगर देखेंगे, वो जो पीक है 92, 93, 94 के अंदर देश में कश्मीर बचाओ को लेकर सारे देश में आंदोलन, जन जागरण के अभियान चल रहे थे, डोडा बचाओ आंदोलन चल रहा था, बीडीसी में भर्ती हो रही थी, सरकार को मजबूर किया जा रहा था कि सेना के हवाले करना चाहिए, कश्मीर घाटी के अंदर कश्मीर धरती से कश्मीरी हिंदू समाज का रिश्ता बना रहे, इसके लिए यात्रा भी चल रही थी और वहां के सामान्य समाज के लिए काम भी चल रहा था। मैं एक बार वहां गया तो मुझे वहां किसी ने मुझे कहा, अरे आप क्यों आए हैं? मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं समझना चाहता हूँ, हम संघ के लोगों को अच्छा नहीं मानते, वहाँ के मुस्लिम समाज में कुछ बात चल रही थी। मैंने उनको कहा, मैंने कहा देखो हमारी एक कन्विक्शन है, आप और हम भाई है, हमारा खून एक है, हमारे पूर्वज एक है, भाई कष्ट में हो तो उसका हालचाल पूछने आना ही चाहिए, हाँ हमारे आने से आपको कुछ कठिनाई होती हो तो बताइए, हम नहीं आएंगे। नहीं 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 भाई साहब आइए, आप आइए जरूर, हम किसी सिक्योरिटी के साथ नहीं जाते थे, संघ का परिचय कभी छुपाया नहीं हमने, संघ के दायित्व के साथ ही जाते थे, सामान्य समाज में जाते थे, क्योंकि हमारा कन्विक्शन है वन नेशन वन पीपल। वो नागालैंड में, वो मिजोरम में, उन सारे क्षेत्रों के अंदर वो ईसाई बन गए होंगे, वो चर्च के प्रभाव में आकर हमको अलग अलग दृष्टि से देखते होंगे, लेकिन हम उनको अपने पूर्वजों और उनके और हमारे पूर्वज एक हैं, हमारी संस्कृति एक है, ये जो मूल में है। पंजाब के अंदर बहुत परिस्थिति खराब थी, हमारे भावराव जी गए वहाँ, बैठक हुई, लोग इतने परेशान थे, रोजाना लोगों को ट्रेनों से उतारकर, बसों से उतारकर गोली से उड़ा देते थे, लोगों को घर गांव छोड़कर आना पड़ रहा था, इतना क्रोध था, क्या करें। भावराव जी ने कहा देखो एक ही बात ध्यान रखना, भाई भाई से लड़ना नहीं चाहिए, समाज नहीं लड़ना चाहिए, ये समाज जिस दिन लड़ गया उस दिन उनका एजेंडा पूरा हो जाएगा। पाकिस्तान तो उस दिन की इंतजार में है जिस दिन अपने आप को केशदारी गैर केशदारी हिंदू सिख या आमने सामने आकर खड़ा होकर लड़ना प्रारंभ, उस सारे दौर के अंदर आतंकवाद से भी लड़ना, आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान के मंसूबों के प्रति समाज को जागरूक करना, आतंकवाद के पीड़ितों की सहायता करना, लेकिन समाज का भाईचारा बनाते हुए धीरे धीरे करके समाज के अंदर ही समाज की अंदर की शक्ति को जगाकर उस आतंकवाद को परास्त करना। ये संघ किसी को कन्फ्लिक्ट नहीं मानता, ये जो भी भेद है, ये जो भ्रम है, जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है उसके पीछे क्या है, हम भूल गए कि हम कौन। ये जो संघ को समझना है तो संघ की संकल्पना और संघ के विचार को समझना पड़ेगा, वो केवल रेजोल्यूशन नहीं, वो रेजोल्यूशन के पीछे की दृष्टि है वो समझना पड़ेगा। और इसलिए हम रेजोल्यूशन पारित करते हुए जब करने की बात आते हैं तो हम सरकार से मांग नहीं करते, हम केवल स्वयंसेवकों का आह्वान नहीं करते, हम उसके अंदर कहते हैं कि ये प्रस्ताव पारित करते हुए इसके समाधान के लिए, इस प्रश्न के समाधान के लिए समाज का जागरूक प्रबुद्ध वर्ग, संघ, सामान्य समाज और शासन प्रशासन सबको भूमिका अदा करनी पड़ेगी। ये जो संघ की दिशा और दृष्टि है इसको समझना है, ये संघ की दिशा और दृष्टि समझ में आ गई तो संघ को लेकर जितने भ्रम है ये खत्म हो जाएंगे। और इसीलिए प्रस्तावों के साथ हमने क्या किया उसके बारे में भी रतन जी ने जो इस पुस्तक के अंदर जोड़ा है, मुझे लगता है कि उससे थोड़ा आपको इनसाइट मिलेगा। वो थोड़ा मैं इसलिए कह रहा हूं कि विषय इतने ज़्यादा है और कालखंड इतना लंबा है कि एक पुस्तक की सीमा में उसको समेटना बहुत मुश्किल है, लेकिन संघ को एक जानने की जो ऑब्जेक्टिव जिज्ञासा रखते हैं, संघ को प्रमाणिक ढंग से जो समझना चाहते हैं, उनके लिए पुस्तक ये बड़े महत्व की है। संघ का बहुत पहले से मानना है कि कुछ भी करना है तो जब बड़ी कुछ परेशानी होती है तो हम कहते हैं कि यार दुनिया में कोई लकीर मिटाई नहीं जाती, अपनी लकीर बड़ी करनी पड़ती है, अपना प्रयास बड़ा करना पड़ता है।
ये एकेडमिक इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी ये जो सारा आज संघ को लेकर वातावरण है इसको बदलना है तो हमको एक अपनी लाइन बड़ी करनी पड़ेगी। वो 1950 के पुस्तक छपी, मैंने कहा वहां से एक इकोसिस्टम है, उसकी भी कंटिन्यूटी है, हमको भी एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम यानी एजेंडा वाला नहीं, एक देश के अंदर एक बड़ा प्रयास हमको करना पड़ेगा। रतन जी ने और कुछ लोगों ने पिछले दिनों इसका प्रयास प्रारंभ किया है। मुझे लगता है कि पुस्तक का लिखना और छपना ये पर्याप्त नहीं है, इसको अधिकाधिक जगह पहुंचाना पड़ेगा। केवल पहुंचाना ही पर्याप्त नहीं होगा, इस पुस्तक के अंदर जो विमर्श है उस विमर्श को पब्लिक का विमर्श बनाना पड़ेगा, डिस्कोर्स ऑफ द पीपल बनाना पड़ेगा। उसके लिए इसके आधार के ऊपर बहुत सारे विषयों पे हम लोग लिखे हैं, और केवल इतना ही नहीं, ये जो लिखने की शुरुआत हुई है इस लिखने की शुरुआत में और समाज में संघ को ऑब्जेक्टिव ढंग से समाज के सामने प्रस्तुत करने के वाले बहुत सी पुस्तकें भारत की सब भाषाओं में आए। मुझे लगता है कि एक ऐसा प्रयास करेंगे तो इंटेलेक्चुअल और एकेडमिक वर्ल्ड के अंदर भी जो एक बड़ा खालीपन है, एक शून्यता है, एक वर्ल्ड है, संघ को प्रमाणिक ढंग से समझने वालों के लिए, उसको हम पूरा कर सकते हैं। मुझे लगता है रतन जी ने इस काम को प्रारंभ किया है, आप जैसे कई प्रबुद्ध लोग यहाँ हैं पुस्तक को आगे पहुँचाने में, विमर्श को आगे बढ़ाने में, और पुस्तकों के माध्यम से समाज में इस विमर्श को विभिन्न आयामों को प्रस्तुत करने में अपनी भूमिका और अदा करेंगे, ऐसा अनुरोध करते हुए, अपेक्षा करते हुए, और आज के इस कार्यक्रम में मुझे निमंत्रण दिया उसके लिए धन्यवाद करते हुए, और आप सबने थोड़ा ज़्यादा समय में बोल गया उसको सुना, इसके लिए आपसे माफ़ी चाहते हुए, और आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूँ।